हेलो जी, सत श्री अकाल जी। बाबा पंजाबी रसोई साडा बहुत बहुत स्वागत है जी। फ्रेंड्स, अज असीं बनाईआं ने जी मिक्स वैजीटेबल टिक्की। तो ये जिहड़ी टिक्की आ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती आ। जिवें कि बच्चे छोटे होंदे आ, है ना, तो वह सब्जियां वगैरह खाना जिहड़ियां वह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैगे। तो बच्चों नूं असीं किसी ना किसी रूप में जिहड़ियां इह सब्जियां ने वह असीं दे सकदे आ। इन्हां नूं कोई ना कोई स्नैक बना के देवांगे तां जिहड़े बच्चे ने बहुत खुश होकर खाते नहीं, तो उन्हां नूं पता भी नहीं लगता कि असीं सब्जियां खा रहे हाँ जां, है ना। उन्हां नूं किसी ना किसी रूप में असीं जिहड़ियां सब्जियां ने खवाउणियां ने। तो अज मैं बनाई है जी टिक्की। उहदे वास्ते देखो जी, पहले मैं गाजरां लईआं ने, तो गाजरां नूं कद्दूकस कर लिया है। तो इधर देखो जी, मैं पत्ता गोभी लई आ, इहनूं भी मैं कट लिया है। गोभी लई है जी मैं, जिहड़ी असीं आम घर च सब्जी बनाउने वाली गोभी लई आ। तो इधर लई है जी असीं ब्रोकली, तो इन्हां नूं असीं कद्दूकस कर लेना दोवां गोभियां नूं। तो इधर मैं लई है जी प्याज कटे हुए, तो शिमला मिर्च भी इधर मैं कट ली आ। यह देखो इस तरीके नाल बरीक बरीक कटनी है असीं। तो चार आलू लए ने, आलूआं नूं मैं बॉयल कर लिया पहला। तो इधर लई है जी हरे मटर, तो हरे मटरां नूं भी मैं बॉयल कर लिया। तो चलो जी फिर शुरू कर दें जी असी अपनी मिक्स वैजीटेबल टिक्की। सब तो पहले देखो जी, मैं एक वड्डा जिहा भांडा लै लिया, इहदे विच मैं आलू पा रही हाँ। तो आलूआं नूं मैं चंगे तरीके नाल मैश कर लाँगी। इन्हां विच कोई भी गुठली जिहड़ी उह नहीं रहनी चाहीदी। चंगे तरीके नाल असी इन्हां नूं मैश कर लैणा। तुसीं इहनूं कद्दूकस भी कर सकदे हो, उह तुहाडी मर्जी आ। लो जी, आलू जिहड़े आ साडे मैश हो गए ने। यह देखो, तो हुण मैं इहदे विच जिहड़ियां सब्जियां ने उह मैं मिक्स करांगी। सब तो पहला फ्रेंड्स, मैं पा रही हाँ जी शिमला मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च पा रही हाँ जी। हुण मैं पा रही हाँ जी कद्दूकस कीती हुई गाजर, पत्ता गोभी पावांगी हुण मैं। हुण मैं इहदे विच पा रही हाँ जी कटिया हुआ प्याज। लो जी, तो हुण मैं इहदे विच पावांगी जी ब्रोकली, तो गोभी जिहड़ी इहनां दोवां नूं मैं चंगे तरीके नाल ग्राइंड कर लिया मिक्सर ग्राइंडर दे विच, ते जां तुसीं चॉपर दे विच चॉप भी कर सकदे हो। तो हुण मैं इहदे विच पावांगी जी हरे मटर। तुसीं अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इहदे विच ऐड कर सकते हो। अगर इहनां विचों कोई सब्जी तुहानूं पसंद नहीं तां तुसीं उहनूं स्किप भी कर सकते हो, तुहाडी अपनी मर्जी आ। तो हुण फ्रेंड्स, मैं इहदे विच पावांगी जी नमक। नमक तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घट या वध कर सकते हो। तो हुण मैं इहदे विच पाया है जी अद्धा चम्मच गर्म मसाले का। तो हुण मैं इहदे विच पावांगी जी अद्धा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, तो अद्धा क चम्मच ही मैं इहदे विच पावांगी जी कुटी हुई लाल मिर्च। तुसीं हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, अगर हरी मिर्च खा लैंदे हो, बच्चे वगैरह खा लैंदे आ। तो वैसे बच्चे ज़्यादा तिखी चीज़ घट ही खाते हैं, इस करके मैं लाल मिर्च अद्धा चम्मच ही ऐड की थी। तुसीं हरी मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो चंगी तरह असीं इहनूं हत्थां नाल मिक्स करांगे। देखो जी, हत्थां नाल हुण असीं इहनूं चंगे तरीके नाल मिक्स कर देना, ताकि जिहड़े मसाले ने वो चंगी तरह आपस में मिल जाण। तो हुण मैं इहदे विच पा रही हाँ जी कॉर्नफ्लोर, अद्धी पौनी कौली है जी, पा के चंगी तरह मिक्स करांगे। तो इहदे विच पानी ऐड करन दी बिल्कुल लोड़ नहीं आ, क्योंकि सब्जियां ने जिहड़ा पानी आ वो छड़ देना आ, क्योंकि असीं नमक भी पाया होया विच, ते नमक पाउण नाल सब्जियां जिहड़ियां ने पानी छड़ दिंदियां ने। चंगी तरह मिक्स करके इहदा डो तैयार कर लांगे। इह देखो जी, इस तरीके जिहड़ा डो है वह तैयार है। तो हत्थां नूं थोड़ा जिहा पानी ला के, तुसीं तेल भी ला सकते हो। तो हुण असीं इहदी जिहड़ी टिक्कियां ने उह असीं बना लैणियां ने। टिक्कियां तुसीं अपने हिसाब नाल छोटियां जां वड्डियां जिद्दां तुहाडी मर्जी हो तुसीं बना सकते हो। इह देखो जी, टिक्की जिहड़ी आ साडी बण गई आ। इस तरीके नाल ही असीं सारियां टिक्कियां जिहड़ियां ने उह बना लैणियां ने। एक टिक्की मैं होर बना के तुहानूं दस्सांगी। अगर टिक्की नहीं बनाउणी तां तुसीं इदां ही इहनूं गोल गोल ही जां बॉल्स बना सकते हो, तुहाडी अपनी मर्जी आ। इह देखो जी, दूसरी टिक्की भी साडी बण के बिल्कुल तैयार आ। तो हुण देखो जी, इधर मैं ऑयल कर लिया गर्म, तो हुण मैं इहदे विच एक एक टिक्की करके इहदे विच पावांगी। तो फ्लेम जिहड़ी आ तुसीं घट कर देनी आ, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम करोगे तां फिर इहनां ने अंदरों कच्चे रहि जाणा। तो फ्लेम अगर तुसीं घट कर दोगे गैस की, तो फिर ये अंदरों चंगी तरह पक जाणगियां। लो जी, जिन्नियां पैन दे विच टिक्कियां आउणगियां उन्नियां तुसीं पा लैणियां ने। तो पा के इहनां नूं चंगी तरह हुण असीं फ्राई कर लैणा। यह देखो जी, एक साइड तो फ्राई हो गई ने, तो हुण असीं इहदी साइड जिहड़ी आ उह चेंज कर देंगे। यह देखो,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਲੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਚਟਨੀ, ਇਮਲੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਇਸ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜੀ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਟੇਸਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਟਿੱਕੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।